क्या स्पर्म साइंस के जनक एक हिंदू राजा हैं? क्या मौत के बाद भी स्पर्म के जिंदा रहने की खोज एक हिंदू राजा ने की है? क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस एक हिंदू राजा की थ्योरी को आज भी फॉलो कर रहा है? दोस्तों, मॉडर्न साइंस में मरे हुए शख्स के स्पर्म से बच्चा पैदा करने की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन उससे हजारों साल पहले एक हिंदू राजा ने यह थ्योरी इजाद कर दी थी और अपने मरने के बाद अपने स्पर्म से 7 बच्चों को पैदा कर दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल बाद अमेरिका के एक डॉक्टर ने सेम थ्योरी को रीइन्वेंट किया। इस वीडियो में हजारों साल पहले भारत में इन्वेंट हुई स्पर्म से जुड़ी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों को आपके सामने हम बेहद सरल अंदाज में रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मॉडर्न युग में मृत व्यक्ति के शुक्राणु यानी स्पर्म से बच्चे पैदा होने की खोज कैसे हुई। 1970 के दशक में अमेरिका में लॉस एंजलिस के डॉक्टर केपी रॉथमैन ऐसे पुरुषों का इलाज करते थे जिनके शुक्राणु कम होते थे। जब पुरुषों के शुक्राणु इतने कम होते थे कि वो नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर पाते थे, तब डॉक्टर रॉथमैन उन पुरुषों के स्पर्म को निकाल कर प्रिजर्व या संरक्षित कर लेते थे। पुरुषों के स्पर्म प्रिजर्व करने के दौरान एक दिन वो अचरज भरी खुशी से भर गए जब उन्हें पता चला कि व्यक्ति की मौत के बाद भी उसके स्पर्म जिंदा रहते हैं। उन्होंने इस बात को प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया कि किसी इंसान की मौत के बाद 48 घंटे तक उसके शुक्राणु जिंदा रहते हैं और उन्हें निकाल कर बच्चे के जन्म में उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी के बाद उन्हें किसी मरे हुए शख्स के स्पर्म निकालकर उसे प्रिजर्व करने का आइडिया आया। दोस्तों, किसी बच्चे के जन्म के लिए माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणुओं का मिलना जरूरी होता है। जब लोग नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते, तब उनके शुक्राणुओं को अंडाणुओं से शरीर के बाहर मेल कराया जाता है और फिर उस भ्रूण को माँ के गर्भाशय में पलने के लिए प्लांट कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 के दशक में जब डॉक्टर रॉथमैन द्वारा मृत व्यक्ति के स्पर्म निकालने की खबर फैली, तो 1.5 महीने के अंदर वो अगले 6 महीने के लिए बुक हो गए थे। आज की डेट में ये काम सिर्फ रॉथमैन नहीं बल्कि कई डॉक्टर्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें 48 घंटे के बाद भी शुक्राणु सुरक्षित निकाले गए थे और उनसे एक सेहतमंद बच्चे का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जिस चीज की खोज डॉक्टर रॉथमैन ने 20वीं सदी में की, उससे हजारों साल पहले भारत में इसकी खोज के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण सनातन धर्म के महान ग्रंथ महाभारत में मिलता है। महाभारत में विशिताश नाम के एक राजा का उल्लेख हुआ है। वो बहुत ही दानी और धर्मी राजा थे। उन्होंने एक बार एक ऐसा महान दान किया था जिसके बाद देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें महान शक्तियां प्राप्त हुई थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनका विवाह भद्रा से हुआ था। रानी भद्रा उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। दोनों अपनी संतान के लिए प्रयासरत थे। तभी राजा को यक्षमा रोग हो गया और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। रानी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा की मृत्यु के बाद निसंतान रानी ने भी प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। वो मृत्यु को वर्ण करने ही जा रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई। उस आवाज ने रानी को मरने से रोकते हुए कहा, हे रानी, राजा के मृत शरीर को बचा कर रखो और अपने मासिक धर्म के 8वें और 14वें दिन इसी शरीर के साथ मिलन करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने वैसा ही किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार रानी ने इस तरह से 7 पुत्रों को पैदा किया। दोस्तों, हजारों साल पहले घटित इस घटना की कहानी में समय के साथ हो सकता है कि कुछ हेर फेर हुआ हो, लेकिन इस कहानी ने उस स्पर्म थ्योरी का हजारों साल पहले खुलासा कर दिया था जिसके अनुसार व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके स्पर्म जिंदा रहते हैं। ये पूरी साइंस महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखी हुई है। आज हजारों साल बाद जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके शुक्राणु को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है और भविष्य में इन स्पर्म्स का इस्तेमाल कर कई बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। दोस्तों, स्पर्म साइंस के सनातन लिंक को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।